सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में ध्रुवा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने की सभी कोशिश कर रही है, लेकिन भोसले परिवार के लोगों को सभी की सच्चाई और अच्छाई दोनों ही नजर नहीं आ रही। परिवार के लोगों को लगता है कि सभी ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो ध्रुवा से जलती है। परिवार के लोग अब भी समृत को ही सच्चा और अच्छा समझ रहे हैं। अब आगे आने वाले एपिसोड में निशिकांत भोसले हाउस से धक्के मारकर सभी को बाहर का रास्ता दिखाएगा। जी हाँ, निशिकांत सभी पर इल्जाम लगाएगा और उससे कहेगा कि ध्रुवा की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कतई ना करे। निशिकांत का वो रूप आपको नजर आने वाला है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सोचा हो। वेल, ये निशिकांत सभी को धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा और ये सारी बातें ईशा तक पहुंच जाएंगी। भाई, ईशा काफी ज्यादा बीमार है और अभी सभी की मदद करने के लिए आ भी नहीं पाई, लेकिन बहुत जल्द ईशा को पता चलने वाला है परिवार के लोगों ने सभी के साथ क्या किया है, हरिणी के साथ क्या किया है। और ये सारी बातें जानने के बाद ईशा हो जाएगी गुस्से से आग बबूला। भाई, ईशा पहुंच जाएगी समृद्ध और उसके विलेन बाप के खिलाफ सबूत लेकर भोसले हाउस और वहां पर सबको सबूत दिखाएगी। ईशा वहां सबको बताएगी कि सभी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। कितने बड़े विलेन हैं समृद्ध और उसके परिवार वाले, ये बातें ईशा पूरे भोसले परिवार के सामने लेकर आएगी और सबको बताएगी कि सभी जो भी कह रही थी वो बिल्कुल ठीक था। सभी ने जो कुछ भी कहने की कोशिश की वो सब उसने कहा ताकि जान बच सके ध्रुवा की, जिंदगी बच सके ध्रुवा की। यहाँ परिवार के लोगों को, खास तौर पर ईशान को, अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होने वाला है। ईशान यहाँ खुद को सभी की बेइज्जती के लिए जिम्मेदार ठहराएगा और अब सभी से माफी कैसे मांगता है देखना होगा।